नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने द्वारा से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर एवरेज। तो आज अपन एवरेज के बारे में पढ़ेंगे कि एवरेज क्या होता है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले कुछ एवरेज के बारे में कुछ फॉर्मूले हैं उनको अपन देख लेते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले। तो पहला क्वेश्चन है आपका एवरेज का, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूले क्या है एवरेज में? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज का, एवरेज इक्वल टू नंबर सम ऑफ, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करना और याद भी रखना। यहाँ पे दो फॉर्मूले लगते हैं, एक तो एवरेज का लगेगा, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये यहाँ से क्या होता है, आप पहले सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से सम इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला ये याद रखना है सम का, क्योंकि पहले आपको सम निकालना पड़ेगा किसी किसी सवाल में और लास्ट में आपको एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। तो दो फॉर्मूले याद रखना है, एक एवरेज का एक सम का। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस पहला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक कक्षा है उसमें कितने लड़के हैं, 16 लड़के हैं और उनका एवरेज वेट दिया गया है 50.25 kg और 8 बच्चे और हैं, रिमेनिंग 8 बच्चे हैं उनका आपको वजन दिया है 45.1 kg। आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपके 16 बच्चे हैं उनका एवरेज वेट दिया गया है, 16 बच्चे उनका एवरेज वेट दिया गया है, लेकिन आपको जो 8 बच्चे हैं बचे हुए उनका एवरेज वेट नहीं है। उनका यहाँ पे क्या दे रहे हैं वो, यहाँ पे इसमें भी हाँ एवरेज वेट ही दिया है, रिमेनिंग का जो एवरेज वेट है वो 45.15 kg है। तो वो पूछ रहा है कि जो टोटल क्लास है उसमें जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप लिख लेते हो कि जो एवरेज वेट है 16 बॉयज का वो कितना है, 50.25 kg। देन 18 आपके जो 8 बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना है, उनका एवरेज वेट है 45.15 kg। अब मैंने आपको बोला था कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमको यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, आपको पहले क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम कैसे निकालोगे, एवरेज का मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो आपको पहले मैं इसका सम निकाल रहा हूं, तो इसका सम कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप सम निकाल लेंगे। सम कैसे निकालोगे, तो एवरेज कितना दिया है 50.25 इक्वल टू सम अपॉन नंबर कितना है, कितने स्टूडेंट है 16, तो 16 का आप मल्टीप्लाई करोगे 50.25 से तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 804। ये आपका सम आ गया 16 स्टूडेंट का। ऐसे ही आप सेम तरीके से क्या करोगे, 8 स्टूडेंट का सम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर क्या करोगे, एवरेज इक्वल टू वही फॉर्मूला ये वाला, इस पे क्या करोगे आप, एवरेज की जगह क्या रखोगे 45.15 इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 8। तो जब आप 45.15 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3168
361.2, ये दोनों का सम आ गया। अब आपको क्या करना है, फाइनल एवरेज निकालना है। तो फाइनल एवरेज कैसे निकालोगे, फाइनल एवरेज के लिए क्या करोगे, एवरेज इक्वल टू कितने स्टूडेंट है 16 और 8 24 का एवरेज निकालना है। तो क्या करोगे, सम सम कितना है 16 का, 804 प्लस 361.2 अपॉन 24, टोटल स्टूडेंट कितने हुए 24। तो अपन क्या करोगे, इसको ऐड कर लोगे, ऐड करने पर कितना आएगा, ये आएगा 1116.25, सॉरी ये आएगा आपका 1165.2 अपॉन 24। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फाइनल आंसर आएगा आपका 48.55 kg। ये आपका टोटल एवरेज आ गया। और ये कौन से ऑप्शन में है, 48.55 kg, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड। ये पूछ रहा है एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18। इसने बोला है कि जो 20 रिजल्ट, मतलब जो 20 परिणाम है उनका एवरेज है 18। और ये बोल रहा है कि अगर हम प्रत्येक रिजल्ट में से क्या करें, 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा नया एवरेज क्या होगा। तो पहले आप देख लो 20 का जो एवरेज दिया है रिजल्ट का, वो दिया है 18। अब ये कह रहा है कि हम सभी में से 3 माइनस कर दें, तो आप माइनस कर दो। जब भी आप वैल्यू में से माइनस करते हो, जितना आप वैल्यू में से माइनस करोगे उतना ही आपका एवरेज में से सेम माइनस हो जाता है। तो आपका एवरेज दिया 18, 18 में से 3 माइनस कर दो तो आपका जो न्यू एवरेज बन जाएगा, न्यू एवरेज वो कितना हो जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15, बी ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स। किसी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, उनका जो ईयर दिया है, एवरेज ईयर है, वो है आपका 18 ईयर। अब वो पूछ रहा है कि अगर इसमें मैं टीचर को भी इंक्लूड कर दूं और तो जो एवरेज एज है वो 19 ईयर्स हो जाता है। तो आपका पूछ रहा है वो टीचर्स की एज क्या है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो पहले तो आप मैंने बताया था कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है आपका सम, यही फॉर्मूला लगेगा सभी क्वेश्चंस पर, अपॉन नंबर। तो एवरेज कितना, पहले तो आप यहां से सम निकाल लो, 40 स्टूडेंट का सम निकाल लेते हैं। तो एवरेज कितना दिया है 18, यहां से सम निकल आएगा अपना 18, एवरेज हो गया आपका 18, स्टूडेंट कितने है 40, 18 का 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे 720 आ जाएगा आपका सम। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मैं टीचर को भी इसमें इंक्लूड करता हूं तो मेरा एवरेज कितना हो जाता है 19। अब बताओ पहले आपके जो स्टूडेंट थे 18 थे, अब मैं टीचर को भी इंक्लूड कर लूं तो मेरे स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल आपके कितने हो जाएंगे 19। अब वो कह रहा है कि जो मेरा नया एवरेज है टीचर को इंक्लूड करने पर वो कितना बन रहा है, वो 19, ठीक है, नया एवरेज हो रहा है मेरा 19। तो यहां से पहले सम निकालो, तो सम कैसे निकालोगे, कोई फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। अब एवरेज कितना हो रहा है 19, ठीक है, यहां से सम निकाल लोगे, यहां पे कितना हो रहा है, नंबर भी 19 हो रहे हैं, तो 19 का 19 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो 361 हो गया आपका, ये आपका आ गया सम यहां से, ठीक है, यहां से आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका यहां से सम। तो आपका कितना आ गया, इसका हो जाएगा आपका, सॉरी यहां पे कितने हो रहा है, सॉरी स्टूडेंट कितने हैं 40 है, ठीक है, यहां पे एवरेज नहीं, आपका कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, आपके स्टूडेंट हो जाएंगे 40 + 1 41, ठीक है, ये तो आपके टोटल हो गए स्टूडेंट टीचर को इंक्लूड करने पर।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दया एवरेज जो हो रहा है, दया एवरेज कितना हो रहा है जब आप टीचर को इंक्लूड कर रहे हो तो 90। अब यहाँ से सम निकालो, यहाँ से सम निकालोगे तो क्या करोगे, एवरेज एवरेज कितना 90 इक्वल टू सम निकालना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 41। तो 19 का जब 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, स्टूडेंट का सम निकल के आ जाएगा कितना आ रहा है 779। ये आ गया आपका टीचर को इंक्लूड करने पर। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके टीचर की कितनी है इसकी वो निकल के आ जाएगी। तो आप क्या करोगे 779 माइनस 720, क्योंकि ये 41 का एवरेज था ये 40 का था, तो 41 में 40 का एवरेज माइनस करोगे तो जो टीचर है आपकी उसकी एज निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9 और 5, तो 59 ईयर्स। कितना आ गया 59 ईयर्स, ये हो गई आपकी टीचर की एज। इसको शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हो, कैसे देखो कि आपके कितने स्टूडेंट थे 40, आपके 40 स्टूडेंट थे। अब जब आपका टीचर इंक्लूड हो गया इसमें तो उसकी वजह से 19 एवरेज हो रहा है, ठीक है। 40 स्टूडेंट का एवरेज था 18, अगर इसमें मैंने टीचर को भी इंक्लूड कर दिया तो मेरा जो एवरेज आ रहा है वो कितना बन रहा है, वो मेरा बन रहा है 19। तो आप बताओ कि सभी सभी में एक एक साल बढ़ेगा, मतलब आपका टोटल कितना बढ़ रहा है, आपका टोटल कितना बढ़ जाएगा सभी में एक एक साल बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा 40, तो वो प्लस 19 ये बढ़ जाएगा, तो ऐड कर दो टोटल कितना आ जाएगा 59। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 59। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज, एवरेज वेट कितना दे रहा है वो 6 बॉयज का, ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉय गेट इंक्रीज बाय 5 kg इफ ए बॉय विद वेट 20 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू बॉय, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू बॉय। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि आपके जो 6 लड़के हैं उनमें से एक 20 kg वेट का है एक लड़का, उसको निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर एक नया लड़के को रखने पर उसका जो एवरेज वेट है वो 5 kg बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि नए लड़के का वेट कितना है। तो आप पहले ये बताओ कि आप 20 kg वाले लड़के को निकाल रहे हो और उसमें से क्या कर रहे हो, आप 20 kg वाले जो लड़का है उसको निकाल कर एक नया लड़का रख रहे हो, तो जो आपका एवरेज वेट है वो 5 kg इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 6 बॉयज थे और जो नया लड़का निकाल रहे हैं उसकी वजह से कितना इंक्रीज हो रहा है 5 kg, तो कितना टोटल इंक्रीज होगा, सब में 5 kg इंक्रीज होगा, तो 6 बॉयज है तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा वेट में, ये हो जाएगा आपका 30 kg, टोटल इंक्रीमेंट 30 kg हो गया। और किसकी जगह रिप्लेस किया था 20 kg की जगह, तो इसको भी तो भरेगा वो, तो 20 kg दोनों को ऐड करोगे तो कितने का हो गया वो बच्चा, वो हो गया आपका 50 kg का। तो कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो आप, द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज 15, द एवरेज द एज ऑफ 2 सिस्टर आर 12 एंड 15, देन द एज ऑफ 3rd सिस्टर। ये बोल रहा है कि 3 सिस्टर हैं, उनका एवरेज कितना दिया है 15 दिया हुआ है, जिसमें से 2 सिस्टर का S1 और S2 दो सिस्टर का आपको दे दिया है, उन्होंने कितना दिया है, एक का 12 है और एक का 15 है। अब वो पूछ रहा है कि तीसरी सिस्टर का वजन कितना होगा पर एज कितनी होगी, तो वो ही फॉर्मूला बार बार, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, ठीक है। तो एवरेज कितना है आपका तीनों सिस्टर का 15, सम सम क्या है आपको 2 का दिया है, पहले सिस्टर दूसरे सिस्टर, तो रख दो आप 12 प्लस 15 प्लस तीसरी सिस्टर का निकालना है अपॉन नंबर कितनी है 3। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो 15 का 3 से, तो कितना आएगा 45,
इन दोनों को सम कर दो, कितना आएगा 27 प्लस S3। अब क्या करना है, 27 को माइनस कर दो 45 में से। जब 27 को 45 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आया आपका आपका 45 माइनस 27, 45 माइनस 27 इक्वल टू S3। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 3 8, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 18 है आपका सी आंसर आएगा। जो तीसरी सिस्टर है उसकी एज कितनी आ गई, 18। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 30 इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 85 द फोर्थ नंबर इज। सेम क्वेश्चन है, एवरेज इक्वल टू, बार बार यही फॉर्मूला यूज होगा सभी में। ठीक है, एवरेज इक्वल टू क्या होगा, फोर नंबर इज 30, आपको फोर नंबर का एवरेज दिया है। कितना दिया है, फोर नंबर का जो एवरेज है वो 30 है, और आपको फर्स्ट थ्री नंबर्स का एवरेज दिया है, कितना दिया है 85। तो आपको पूछ रहा है कि जो फोर्थ नंबर है वो क्या होगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिंपली क्या कर सकते हो, माइनस, पहले आपको सम निकालना पड़ेगा। पहले आप क्या कर लोगे, या सम निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो एवरेज कितना दिया है फोर्थ नंबर का 30, तो एवरेज दिया है आपको 30, तो यहां से पहले क्या कर लो, यहां से हम निकाल लेते हैं सम चारों नंबर का। तो सम कैसे निकालोगे, यहां से क्या करोगे, वही फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में रख रहा हूं। एवरेज, एवरेज कितना दिया है 30 इक्वल टू सम अपॉन टोटल फोर स्टूडेंट, कितना आया 4 3 12 0 120। ये आपका आ गया 4 लोगों का सम आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 का सम दिया है, ये कह रहा है देखो सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर 55। जब 3 का दिया है और 4 का हमने निकाल लिया, तो बचे हुए का निकाल लेंगे माइनस करके, तो 4 के सम में से 3 का सम माइनस कर दो, आपका आ जाएगा जो बचे हुए का सम है। तो 120 में से आप 85 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आया होगा आपका 35। कितना आ जाएगा आपका 35। कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन। आप देखो सेवंथ, आप इसका सेवंथ देखोगे तो सेवंथ आप देख लो, सेवंथ ये क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 4 ईयर व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 30 इयर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन, व्हाट इज द एज ऑफ न्यू मैन। ये बोल रहा है 30 इयर्स का जो व्यक्ति है उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिप्लेस कर रहा है, तो क्या कह रहा है ये, इसमें ये रिप्लेस कर रहा है किसको, ये आपको रिप्लेस कर रहा है कि इसमें 8 मैन है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 8 मैन, और तो इसमें देखो कैसे करेंगे, 8 मैन की वजह से इंक्रीज, 8 मैन इंक्रीज बाय 4 ईयर। ठीक है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा, सभी में आप 4-4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 32 इंक्रीमेंट हो गया, टोटल इंक्रीमेंट हो गया 32, क्योंकि 8 मैन है और सभी में 4-4 का हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 32। अब किसकी जगह रिप्लेस हो रहा है, 30 की जगह, तो इसको भी तो ये फिलअप करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 62। तो जो नया मैन हो जाएगा, जो नए मैन का जो एज होगी वो कितनी होगी, 62। कौन सा आंसर है, बी। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 6 एंड 34 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। तो वो सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखो, ये कह रहा है कि 6 से आपको 34 के बीच में जितने भी 5 से डिविजिबल जो नंबर उनका एवरेज बताना है। तो देख लो आप कौन 5 से डिविजिबल होता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। तो देखो 6 के बाद क्या आता है, 10, ठीक है, लास्ट ये 0 है, फिर क्या आएगा 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। ये नंबर भी तो होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, तो इनका एवरेज पूछ रहा है। तो इनका एवरेज क्या होगा, सभी का सम कर दो, ठीक है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज क्या हो जाएगा, सभी का सम कर दिया आपने, सभी का सम करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10, 3 2 5 2 7, 7 7 8 9 और 10, 100 अपॉन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका एवरेज, ये आ जाएगा 20, कितना आ गया। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर्स, ये कह रहा है कि पहले 80 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है, 80 नेचुरल नंबर्स। तो पहले तो आप इसका एक फॉर्मूला होता है कि आपका इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कॉन्जुगेटिव नंबर, वो एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, देख लेना आप, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू, ये होता है, ठीक है। तो आपके एन क्या होंगे, नंबर ऑफ जो भी आपके नंबर्स हैं वो एन हो जाएगा, कितने नंबर्स हैं 80 प्लस वन अपॉन टू, कितना हो जाएगा 81/2। अब 81 का आधा कितना होता है 40.5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40.5। तो आपके जो 80 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया 40.5। इफ द सम ऑफ ए फ्यू नंबर्स इज 4/0 एंड देयर मीन, मीन का मतलब ही एवरेज ही होता है, ठीक है, मीन बोले एवरेज बोले एक ही बात है, mean is 50 and if another number 100 is include the mean would becomes, ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास क्या है 4-5-0 sum दिया है, कितने 50 numbers का जो sum है, ये लिखा है 50 number का sum क्या है 4-5-0, ठीक है, 50 वो 4-5-0 4-5-0 का जो 50 एवरेज दिया है कितने का 4-5-0 नंबर्स का सम का, तो यहाँ से क्या निकाल लूंगा, पहले तो नंबर्स निकाल लूंगा, तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना दिया है आपका, यहाँ से नंबर्स निकाल लो, नंबर्स कैसे निकालोगे, नंबर्स को इधर ले जाओ, तो नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा सम अपॉन एवरेज, नंबर कितना आया था आपका, सम कितना दिया है 4-5-0 तो आपका जो सम दिया है 4-5-0, एवरेज कितना दिया है 50, तो यहां से आपका जो नंबर्स निकल के आएंगे वो कितना आएंगे 9, तो आपके नंबर्स आ गए 9। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं 4-5-0 में 100 को भी इंक्लूड कर दूं तो मेरा नया एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज क्या होगा आपका, न्यू एवरेज इक्वल टू होगा आपका सम क्या है, जो आपका 50 नंबर्स का सम था 4-5-0, अब वो कह रहा है कि इसमें मैं 100 एक नया नंबर इंक्लूड कर दूं तो मेरा नया सम निकल के क्या एवरेज क्या होगा नया, तो पहले कितने थे टोटल 9 नंबर्स, अब मैंने एक और नंबर ऐड कर दिया तो टोटल कितने हो गए 10, तो नया एवरेज यहां से निकल के आएगा कितना आएगा
5 by 0 अपॉन 100 सॉरी 10। अब 10 से डिवाइड कर दो तो नया एवरेज क्या निकल के आएगा 55। नेक्स्ट अब देखो 11th का एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 40 इयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज इज 7:3 रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्ट के साथ ठीक है। अब आप देखोगे व्हाट इज द मैन एज, मैन एज पूछ रहा है कि आदमी की एज कितनी है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है एवरेज दिया है तो मैन और सन का एवरेज दिया है तो यहाँ से पहले आप टोटल निकाल लो। टोटल कैसे निकालोगे वही फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एवरेज का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा सम। तो एवरेज कितना दिया है आपको एवरेज दिया है 40। कितने हैं टोटल दो मैन और सन दो लोगों पर ये हो गया आपका सम 80 सम निकल के आ गया। अब वो पूछ रहा है तो रेशियो दिया है दोनों का और पूछ रहा है कि मैन की एज क्या होगी तो कैसे निकालोगे जब आपको दो लोगों का सम दिया है 80 और आपको क्या चाहिए मैन का निकालना है तो रेशियो दिया है तो रेशियो को ऐड कर लो 7+3 10 मल्टीप्लाई किसका निकालना है मैन का। तो जब मैन का निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे तो जब मैन का निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आपको मैन से करना है। मैन का कितना दिया है 7 तो आप काट दो इसको 0 से 0 कितना आ गया आपका 56। अगर यहाँ पे पूछता वो किसका सन का तो कैसे करते टोटल 80 अपॉन 10 मल्टीप्लाई किससे करते आपके सन से सन का रेशियो कितना है 3 तो आपका कितना आया था 24 निकल गए ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है किसका मैन का तो मैन का कितना आएगा 56। नेक्स्ट द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 65 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। इसने क्या बोला है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज दिया है 65 और वो पूछ रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर का डिफरेंस अंतर ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे करोगे पहले तो आप जब भी आपसे बोले कि कंसेक्यूटिव नंबर्स तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या कंसेक्यूटिव तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स कैसे मानना है आपको तो आप देख लेते कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा है ठीक है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स तो कैसे मानोगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं x x+2 ऑड में भी यही मानना x+4 x+6 कितने हैं आपके 6 कि 5 1 2 3 4 और 5 ये हो गए आपको लाइन से लिख देता हूं मैं ये हो गए आपके 5 कंसेक्यूटिव नंबर कितने ये हो गए x x+2 x+4 x+6 1 2 3 4 x+8 ठीक है ये हो गए आपके कंजुगेटिव नंबर 5 ऑड क्योंकि x पे डिपेंड रहता है x ही है आप क्या रखोगे ऑड रखोगे तो हमेशा ऑड ही आएगा देखो x ही है 1 रखो तो 1 यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 आ गया 3 एक ऑड नंबर है यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ 7 यहाँ पे 9 अगर आप इवन मानोगे तो इवन रखो आप x की जगह 2 रखो तो 2 एक इवन नंबर है 2 यहाँ रखोगे तो 4 फिर ये 6 बन जाएगा 8 बन जाएगा 10 बन जाएगा ठीक है। तो ऑड और इवन के लिए यही रहता है ऐसा मत कर लेना कि ये तो सर इवन दिख रहा है 2 4 6 इससे ये डिपेंड इसका नहीं करता ये x पर डिपेंड करता है ठीक है। तो क्या करोगे इनका वो पूछ रहा है पहले तो आप क्या कर लो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो कैसे निकालेंगे वो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो एवरेज कितना दिया है 61 सम क्या है इन सब का सम कर दो आप x+x+2 x+4 x+6 x+8 अपॉन कितने हैं नंबर 5 अब सबका सम करोगे तो कितना आएगा 61 = 5x+ कितना आ जाएगा आपका 8 और 2 10 और 20
अपॉन फाइव। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो फाइव और तीस, ठीक है। तो फाइव एक्स प्लस बीस, बीस माइनस कर दो, जब बीस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, दस में से दो जाएगा तो आठ, या दो सौ पिचासी और फाइव एक्स, फाइव से डिवाइड कर दो तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फाइव से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तीन बचा फिफ्टी सेवन, तो एक्स आ गया आपका कितना, फिफ्टी सेवन। और फिफ्टी सेवन क्या है, एक ऑड नंबर है। अब आपको सबसे छोटा नंबर मिल गया फिफ्टी सेवन, अब सबसे बड़ा नंबर निकालो, इसे एट ऐड कर दो फिफ्टी सेवन में, तो फिफ्टी सेवन में एट ऐड करोगे कितना आएगा, सिक्सटी फाइव, तो सबसे बड़ा नंबर भी आ गया। अब वो पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो 65 और 57 का डिफरेंस कितना आ गया, 65 और 57 का डिफरेंस कर लो तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आंसर कौन सा आ गया। नेक्स्ट देखो, आ बॉय हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन 14 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स शुड बी शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग टू अचीव एन एवरेज ऑफ 32 रन्स। ये बोल रहा है कि 14 इनिंग्स का जो आपको एवरेज दिया है वो कितना है, 14 इनिंग्स का एवरेज कितना है, 30, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं एक इनिंग्स, जो नेक्स्ट इनिंग है उसमें उसने कुछ रन बनाए होंगे तो उसका जो एवरेज बढ़कर हो गया 32 रन्स। तो वो पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट इनिंग है उसमें उसका है स्कोर कितना रहा था, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो आप 14 इनिंग्स का सम निकालो, तो वही फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना आपको दिया है, 14 इनिंग्स का एवरेज दिया है कितना, 30, तो यहाँ से आप पहले सम निकाल लो 14 इनिंग्स का कितना आया, 420 आ गया, ये 14 इनिंग का सम हो गया, ठीक है, ये 14 इनिंग का सम हो गया। अब वो कह रहा है कि उसने जो एक और इनिंग्स उसने खेली तो कितनी इनिंग्स हो गई आपकी, 15, ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया, 32, तो यहाँ से इसका सम निकाल लो तो क्या होगा, आपका जो सम होगा वो कितना होगा, एवरेज अब कितना हो रहा है, 32, सम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 32, और यहाँ पे इनिंग कितनी हो गई, 15, तो यहाँ से सम निकाल लो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, चार सौ अस्सी, तो ये आपका आ गया 15 इनिंग का सम। अब बताओ 14 इनिंग का सम एरा, 15 का एरा, तो दोनों का जब माइनस कर दोगे वो 15 में से आप 14 का सम माइनस कर दोगे तो आपकी जो नेक्स्ट इनिंग है उसका आ जाएगा कि नहीं, कि कितने रन बनाए थे उसने, तो कितना आएगा आपका, 60 रन। तो उसने जो रन बनाए थे वो कितने बनाए थे, 60 रन बनाए थे, ठीक है, ओके। तो ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट आप देखो, द एवरेज एज ऑफ 55, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे है 35 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 35 है, ठीक है, यहाँ पे 35, तो द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 16 इयर्स, आउट ऑफ दीज स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट इज 14 इयर्स, द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इज। ये बोल रहा है कि आपका 35 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 16 है, और 21 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो आपका 14। अब वो पूछ रहा है कि बचे हुए स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या करना है, पहले तो आप यहाँ से सब निकालो, सब कैसे निकालोगे, बार बार वही फॉर्मूला यूज करना है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम एवरेज कितना दिया है आपका, 16, यानी सम आया हुआ नंबर्स कितने हैं, 35 स्टूडेंट है, तो जब 35 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, 560, ये आपका सम आ गया कितने स्टूडेंट का, 35 स्टूडेंट का। अब आपको क्या करना है, 21 स्टूडेंट का निकालो, सब 21 का कैसे निकालोगे, सेम वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है,
तो एवरेज कितना दिया है 21 स्टूडेंट का 14 इक्वल टू सम अपॉन नंबर कितने 21। तो यहाँ से आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 294। ये आपका आ गया कितने स्टूडेंट का, ये आपका आ गया 21 स्टूडेंट का। अब बताओ रिमेनिंग स्टूडेंट का पूछता है, तो 35 का ये है 21 का ये है, माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करोगे ठीक है तो कितना आएगा, तो 35 में 21 माइनस करो सम ऑफ स्टूडेंट 35 माइनस सम ऑफ स्टूडेंट 21 इक्वल टू कितना आएगा, तो 560 में से आपको कितना माइनस करना है 294। ठीक है, जैसे ही लिख देता हूँ 560 माइनस 294। तो यहाँ पे कितना बने 35 में 21 माइनस करोगे 14, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 266। तो ये आ गया आपके 14 स्टूडेंट का सम आ गया 266। अब उनका एवरेज पूछ रहा है, तो बचे हुए स्टूडेंटों का एवरेज, तो एवरेज तो आपको पता ही है फॉर्मूला यही वाला, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें ही रखना है आपको। तो एवरेज कैसे हो जाएगा आपका, सम कितना दिया है 14 स्टूडेंट का 266 अपॉन स्टूडेंट कितने 14, जब आप इसका स्टूडेंट ऐड करोगे तो 19 ईयर्स निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 19 ईयर्स। नेक्स्ट ले हुआ द मीन ऑफ व्यक्ति ऑब्जर्वेशन वॉज 36। मीन मैंने बताया था अभी, मीन दिया हो एवरेज दिया हो एक ही बात है, एवरेज ही निकालना है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट नो ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रॉन्गली टेकन 23 द करेक्टेड न्यू मीन इज। ये कह रहा है कि मेरे पास 50 ऑब्जर्वेशन थे उनका एवरेज 36 है, तो आप देख लो कि कितने आए, आपको एवरेज दिया है कितना दिया है, पहले एवरेज देख लो 36 का जो एवरेज दिया है वो 50 है। ठीक है, आपके 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया, 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है कितना 36, और वो कह रहा है कि 23 की जगह मैंने 48 रख दिया गलती से, तो मेरा जो करेक्ट है वो न्यू एवरेज क्या होगा। तो पहले आप इसका सम निकाल लो, तो इसका सम निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो पहले इसका सम निकाल लो भाई यहीं से, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितना दिया आपको 36 इक्वल टू सम अपॉन कितने स्टूडेंट है 50, तो मल्टीप्लाई करो, जब आप 36 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 1800। ये आपका आ गया सम कितने स्टूडेंट का 50। ठीक है, अब आप बताओ कि 23 की जगह 48 गलती से रख दिया, तो कितने का मतलब कितना ज्यादा रख दिया, माइनस कर दो कितना ज्यादा रखा है 5 और 2, मतलब 25 ज्यादा रख दिया था, वो 25 कम रखा था तो अच्छा 25 ज्यादा रख दिया, जो 25 अच्छा जो 48 की जगह 23 रख दिया था। ठीक है, तो 48 की जगह 23 रख दिया मतलब कितना, इसने कम रखा था 25 कम रखा था, तो 25 कम रखा था तो इसमें ऐड कर दो 25, तो 1800 प्लस 25 इतना ही तो कम रखा था। ठीक है, इतना कम रख दिया था, अब इसको क्या करोगे 50 से डिवाइड, तो आपका जो एवरेज है वो सही निकल के आ जाएगा, जब इसको इसको ऐड करोगे तो 1825 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा निकल के एवरेज, ये आ जाएगा आपका 36.5 सी ऑप्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेट फॉर 10 मैच इज, 10 मैच का एवरेज दिया है 38.9, इट द एवरेज फॉर द
फर्स्ट 6 मैच इन 42 द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस। इसमें क्या पूछ रहा है वो, इसमें आपको 10 मैच का एवरेज दिया है और आपको पहले जो 6 मैच है उनका भी एवरेज दिया है और पूछ रहा है कि जो आपके बचे हुए मैच हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, अपन देख लेते हैं इसको। देखो इसमें क्या करेंगे, वही द्वारा से सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सम निकाल लेते हैं, पहले तो आपको क्या दिया है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है 38.9 इक्वल टू सम निकालना है अपॉन नंबर्स, कितने 10 मैच, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 389, ये आपका आ गया सम, कितने मैच का 10 मैच का, ठीक है। अब आप देखो ये तो 10 मैच का सम आ गया, अब आप 5-6 मैच का निकाल लो, कितना दिया है आपको एवरेज 42, सेम फॉर्मूले से वही एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना दिया है आपका 42, ठीक है, एवरेज कितना है 42 इक्वल टू सम कितने मैच का है 6 मैच का अपॉन कितने 6 मल्टीप्लाई करो 6×6=12 25, 252 आपका आ गया कितने 6 मैच का सम, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि बचे हुए का निकालना है, तो बचे हुए का निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस कर देते हैं अपन, ठीक है, माइनस कर दो आप कितना 6 10 में से आप 6 माइनस कर दो कितना आएगा 389 में से आप 252 माइनस कर दो, तो आपका सम निकल के आएगा वो 4 मैच का आएगा, कितना आएगा इसमें माइनस करो 7 ये 3 और ये 1 कितना आ गया 136। अब वो पूछ रहा है कि एवरेज क्या होगा, अब आपको सम पता है आपको नंबर्स भी पता है तो एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज ठीक है कितना आएगा, सम कितना दिया है 137 अपॉन नंबर्स कितनी है 4, तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 34.25 ऑप्शन। नेक्स्ट देखो आप, द एवरेज वेट ऑफ आई मैन इज इंक्रीज बाई 2 केजी व्हेन वन ऑफ द मैन हुज वेट इज 60 केजी इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू मैन द वेट ऑफ द न्यू मैन। ये बोल रहा है कि आपको क्या है, 10 जो 5 जो मैन है उनमें सभी का वेट दो दो बढ़ रहा है, दो दो केजी बढ़ाया जा रहा है, और जो अभी इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था सेम ऐसा ही था, वही सेम मेथड है कि 2 केजी सभी में बढ़ रहा है और 60 केजी की जगह उसको रिप्लेस कर रहे हैं नए आदमी को, तो नया आदमी का वेट कितना है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे अभी किया था टोटल वेट कितना डिक्रीज हो रहा है, जब 1 के लिए 2 बढ़ रहा है तो 5 के लिए कितना बढ़ेगा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है इंक्रीज वेट हो जाएगा, ठीक है इंक्रीज वेट कितना हो गया 10 केजी। अब बताओ किसकी जगह रिप्लेस कर रहे हो 60 केजी की जगह, तो 60 केजी प्लस कर देना तो आपका जो नया वेट है ना वो आ जाएगा कितना आ गया 70 केजी। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 एंड अदर डे, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ और 30 डेज बिगिनिंग विद संडे इज। ये बोल रहा है कि आपको इसमें क्या निकालना है, पहले तो आप क्या करो जो 510 विजिटर्स हैं वो कब आ रहे हैं संडे को, और 210 आ रहे हैं आपके जो अदर डे है उसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसमें एवरेज, तो कैसे निकालोगे, इसमें अपन पहले वही पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, पहले इसमें सम निकाल लेते हैं, तो आप देखोगे कि और ये 30 डेज
मतलब मंथ की बात कर रहा है, तो आप देखोगे कि एक मंथ में ठीक है कितने घंटे आ जाते हैं, पांच, ठीक है, तो पांच तो संडे पड़े हैं, तो पांच संडे का पहले अपन टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अभी वन मंथ में आपके फाइव संडे हो जाएंगे, ठीक है, तो आप देखो, ओके, तो आप अपन देखेंगे कि यहाँ से सम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, पांच फाइव संडे का सम निकाल लेते हैं, तो वो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, कितने का एवरेज निकालना है, पांच संडे का, ठीक है, कितना होगा आपका सम निकालना है, ठीक है, तो सम एवरेज कितना दिया है आपको, आ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 5.0 मीटर ऑन संडे, ठीक है, और 2.4 एवरेज दिया है 510, यहाँ से सम निकल के आएगा कितने का, पांच, पांच संडे का, तो कितना मल्टीप्लाई कर दो, 0, 5 और 25, कितना आ गया सम, जो पांच संडे का जो सम है वो निकल के आ गया 25.50, ठीक है, अब बचे हुए 30 में से पांच संडे हो गए, बचे हुए कितने दिन हो गए, 25, अब 25 दिन का क्या है, कितने मीटर आ रहा है, 240, तो यहाँ से सम निकाल लें, तो आप क्या निकालोगे, वो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ठीक है, दिख रहा है, सम अपॉन नंबर, तो एवरेज क्या होगा, यहाँ पे एवरेज कितना दिया है, 240, जो अदर डे है ना उसका 240, तो यहाँ से जो सम निकल के आएगा कितने दिन बचे, 25 दिन, क्योंकि पाँच तो संडे पड़ गए, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 25 का 240 में, तो कितना निकल के आएगा, 6000, कितना हो जाएगा भाई, 6000, 6000, तो ये आपका आ गया 25 दिन का सम। अब आप बताओ, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि टोटल सम निकालना है 30 दिन का, तो 30 दिन का निकाल लो, कैसे निकालोगे, यही से निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, वही एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तो एवरेज कितना दिया है, एवरेज निकालना है कितने दिन का, 30 दिन का, तो कैसे निकालोगे, पहले तो 25 दिन का सम कितना है, 6000 प्लस ये 5 दिन का सम कितना है, 25, 50, ठीक है, कितना है, 25, 50 अपॉन 30, जब इनको ऐड करके जब 30 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज कितना निकल के आएगा, आपका एवरेज निकल के आएगा 285, कितना निकल के आएगा, 285 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, गिवन दैट द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज 27, इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड द एवरेज गेट्स reduce by to determine the excluded numbers, तो ये बोल रहा है कि फाइव नंबर्स का एवरेज 27 दिया है, तो पहले यहाँ से सब निकाल लेंगे, और उसमें क्या कर दिया, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, मतलब निकाल दिया, तो पांच में से एक नंबर निकाल दिया, तो चार बचा, तो एवरेज कम हो जाएगा, तो एवरेज कम होकर कितना हो गया, 25, तो यहाँ से भी सब निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे, वो पूछ रहे हैं कि कौन जो आपने नंबर निकाला था वो कितना था, तो आप क्या करोगे, पहले कैसे करेंगे देखते हैं, देखो तो पहले क्या करना है, पहले तो यहाँ से सम निकाल लेते हैं, तो फाइव नंबर का सम कैसे निकालोगे, वही सेम सम एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ठीक है, एवरेज कितना है,